इसमें एक ही बादाम डाला हुआ, क्योंकि बादाम बहुत महंगे हो चुके हैं दोस्तों। दो बादाम का बजट नहीं था हमारे पास। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी अविनाश, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चैनल सुबह का दिन है और बज गए हैं एक बजे हैं, और मैं आपको बता दूं कि आज है अविनाश का जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू अविनाश, हैप्पी बर्थडे टू यू। डाल दिया मुंह में कैमरा, हो गई खुश। हाँ, आज अविनाश का हैप्पी बर्थडे है, आप सब भी अविनाश को बधाइयाँ दे सकते हैं ढेरों। ये रहे पापा, गुड मॉर्निंग। ये रही मम्मी, गुड मॉर्निंग है नहीं, अब तो गुड मॉर्निंग है नहीं। और हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं, लंच पे जा रहे हैं, जिस जगह पे मम्मी नहीं जाना चाहती थी। मम्मी ने कहा नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, फाइनली उनको मना लिया है अविनाश ने। मैंने सुबह सुबह उठ के मम्मी पापा का आशीर्वाद ले लिया था, और मम्मी ने आशीर्वाद मेरे को चुपके से ना अपने दुपट्टे में से निकाल के 101 रुपए का आशीर्वाद दिया था। 101 रुपए का आशीर्वाद दिया मम्मी आपने? ज्यादा देती तो लड़ाई करता लेता नहीं, इसलिए थोड़ा ही दी। और सुनो इधर आओ, मम्मी ने बोला क्या है, चुपचाप रख ले, मोदी की माँ भी देती है तो रख लेते हैं। पापा आपने क्या दिया? उसी में मेरा भी है, 51 रुपए। ओ 51 रुपए है, सामान दिला देंगे पापा, सामान दिला, सामान दिलाएंगे पापा, कह रहे कपड़े वपड़े दिला देंगे। तो मैंने अविनाश को कुछ दिन दिया है, क्योंकि जो अविनाश को चाहिए उसके लिए आई थिंक कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, बिकॉज जिस चीज का अविनाश मतलब उसको जिस चीज की जरूरत है वो अभी अवेलेबल नहीं है। पता है ना क्या बोल रही हूँ? हाँ सही बोल रही हूँ, अभी लॉन्च नहीं हुई है। लॉन्च नहीं हुआ है, लॉन्च होते ही व्लॉग में आप लोगों को पता लग जाएगा कि बीवी ने अपने पति को जन्मदिन पे क्या दिया है। मैंने ये पहना है जन्मदिन के उपलक्ष में। अरे वाह झलबदरा बीवी, ये ऐसा है, इधर आइए थोड़ा इस तरफ आइए, इधर। अरे हील पहना हुआ है ना, ये नीचे से फटा हुआ है। नहीं नहीं इसका स्टाइल है, बस ये डर लग रहा है पापा के सामने ज्यादा खुला जाए। खुल जाता है ना ये, तो ऐसे करके चलूंगी मैं आपके, ऐसे करके। हाँ तो अब निकले। मैंने हील पहनी है, सोचो लोगो, मैंने सोचो मैंने 1.5 साल कोरोना को कितने साल हो गए हील पहनी नहीं है, हील सारी मेरी खराब हो गई है, रखे 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 रखे, और जो मैंने अभी एक नया हील लिया था वो मिली नहीं रही है, कहाँ रखी है। तो मैंने इस चक्कर में ना ऐसी वाली हील पहन ली है कि जो पहन तो सकते हो लेकिन उसको पहन के आप चल नहीं सकते। देखो मैं चली जाऊंगी वहां पे, वहां उतरे, अब मैं ऐसे चलूंगी, लेकिन नीचे स्पोर्ट्स शूज पहन के तो तुम चाची 420 लगोगी। सही है ना यार, क्या करूं, लेकिन चलो पहन लेती हूँ, गाड़ी में चप्पल पहन लूंगी। लंच का टाइम खत्म हो रहा है, चलें। चलिए चलिए, चलो लेट्स गो, लेट्स गो। कैंडी कैंडी चेरीज, ये कैंडू कैंडू बहुत, आज कैंडी ने बहुत नखरे किए खाना खाने में, और ये चेरू नहाया हुआ है, चेरू चेरू, ये देखो ये लमिला चेरू नाई नाई करके छुंदर छुंदर बेबी बन गया है। दो दिन से मुझसे बात नहीं कर रही। हाँ आपसे कल झगड़ा किया ना, उसके बाद से बात नहीं कर रही। हाँ काट लिया था इसने। हाँ उसके बाद से डरी हुई है, डरी हुई है, और दो दिन से बात नहीं कर रही है। एक्चुअली पापा सॉरी बोल रही है वो अपना तरीके से। हाँ पश्चाताप कर रही है, पश्चाताप के आग में जल रही है वो। ये रहा वो केक जो हमारे साथ जाएगा, और केक कटेगा सब में बटेगा। अरे केक भी चल रहा है जी, केक आया कब? कल ही मंगा लिया था। पीठ के पीछे यंत्र। हाँ केक मंगा लिया हमने। था कि बर्थडे पे कहीं बाहर जाएंगे दो दिन के लिए, लेकिन हमें कहीं बुकिंग मिली नहीं जहां हमें चाहिए थी, तो फिर प्लान बना कि अब यहीं पे लंच करेंगे। मम्मी उसके लिए भी मना कर रही थी, बोले थी घर पे पूरी सब्जी खाएंगे, तो पूरी सब्जी का प्लान भी पक्का है मम्मी, लेकिन वो करेंगे रात को। सुनो सुनो, पूरी सब्जी मम्मी कह कैसे रही थी, कह रही थी एक चटाई ले लेते हैं। हाँ। पूरी सब्जी बांधते हैं और बीच पे जाके खाएंगे, तो उसका भी अपना ही मजा है।
मजा आए वो इंडिया गेट पे जैसे करते थे, इंडिया गेट, चिल्ड्रन पार्क। हाँ, मेरे को तो इंडिया गेट ही याद है, पूरी सब्जी पैक करके ले जाते थे। लेकिन यार उसका अपना अलग मजा, ये तो है ना। बारिश में समंदर बहा ले जाएगा हमें पूरी सब्जी के साथ। अब मम्मी समुंदर पे अलाउड बारिश, लेकिन रात को अगर पेट थोड़ा खाली रहा तो पूरी और पनीर की सब्जी, वो वाला पनीर, अच्छा चटपटा वाला पनीर। पनीर से तो बेटर है कि आलू पूरी बनवा लो। आलू पूरी भी खा सकते हैं, दम आलू, दम आलू और पूरी। हाँ, दम बनाओगी मम्मी? नहीं। बेटे का बर्थडे बा, बेटे का बर्थडे बा। बैठे हैं पापा, यहाँ मम्मी और मैं, आराम कर रहे हैं पीछे, आराम फरमा रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है बस घर जाके कोई एक बिस्तरा दे दे और एक अच्छी बढ़िया चाय है। चाय तो है पापा, आप तो चाय मिलेगी, चाय छोड़ के आ रहे हैं। चाय तो पापा आप चाय छोड़ के आ रहे हो, लेकिन बाय द टाइम हम घर पहुंचेंगे तो चाय की जरूरत तो पड़ेगी। घर पहुंचने के बाद तो थोड़ा होता है ना, टाइम हो जाएगा, टाइम भी हो जाएगा तब तक। आप पी अब चाय, रहुआ पी अब, ड्राइवर साहब। अच्छा मुझसे पूछ रही हो? हाँ, रहुआ चाय पी अब की नहीं? पी अब, पी अब। चाय उत्ती पुत्ती कहाँ है? चाय उत्ती पुत्ती कहाँ है? गंदे गंदे उत्ती पुत्तू, ये चायों की बोधी किसने बना दी भाई? ये एक ही बोधी क्यों है? ये मिला कुक्का, ये मिला कुक्का, कैंडी मेरा, ये तो छोड़, अरे छोड़ दो, मिला कुक्का। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, आजो आजो आजो। क्या हो गया, क्या हो गया भाई, क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, आराम से आराम से आराम से। हाँ, हिचकियां मिचकियां सब लग गई। ये देखो ये वाली रबड़ कितनी अच्छी है, देखो मैंने इसकी बोधी बनाई है, बैठ के देखाओ। अरे चेरू, अरे कितनी फूली फूली बनी है इसकी चोटी, है ना, फूली हुई। आई चेरू, ऐसा लग रहा है इसके सर पे दो फूल उग गए हैं, पता है? देखो कितना सुंदर बाबा लग रहा है, देखो। अरे सेम टू सेम, मम्मा बेटा सेम टू सेम, मम्मी ने मम्मी का बोला, आपने हैप्पी बर्थडे बोला ना, दे हैप्पी बर्थडे ले लो आप, हैप्पी ऐसे हैप्पी बर्थडे पास में आके चेरू बोलेगा हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। एक सेकंड, एक और हैप्पी बर्थडे ले लो उससे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ये तो उसकी डबिंग तुम क्यों कर रही हो? चेरी की डबिंग मैं कर रही हूँ, दाढ़ी का बाल वाल उसके चिंता नहीं होता, चल जाती है। तो जी हम लोग वहाँ पे केक भी ले गए थे, लेकिन हमें पता चला कि उसी पैसे में वही लोग हमें केक दे रहे हैं, तो हम अपना क्यों खाएं? तो हम अपना केक पैक वापस ले आए हैं, पैक करके वापस ले आए हैं, पैसा बचाया है, और रात को कटेगा ये केक। ये किसकी एक्टिंग थी? रात को, अरे अरे रात को कटेगा ये केक। लुट पिट के आने में इतनी खुशी है, खुश है। अरे कौन था? जीवन, जीवन। तो जी मेरा केक कटने जा रहा है और मैं ही उसका वीडियो बना रहा हूँ, कोई सरप्राइज नहीं है, मैं कैमरा के पीछे हूँ, सामने एक केक रखा हुआ है जो कि मेरा अपना ही केक है, मैं ही थोड़ी देर में काटूंगा, और ना कोई सस्पेंस ना कोई सरप्राइज। फिर भी मेरी बातों में आप एनर्जी देख लीजिए कैसी आई है। मैक्सी नाइटी पहन के घर की औरतें केक कटवा रही हैं, ठीक है, जिसको केक काटना है उसने कच्छा पहना हुआ है, और ये है मेरा बर्थडे। तलवार, तलवार निकालो मम्मी, तलवार दे रहे हैं। तलवार से काटोगे? तलवार से, मैं निकालूंगा। अरे बाप रे बाप, इसमें एक ही बादाम डाला हुआ, क्योंकि बादाम बहुत महंगे हो चुके हैं दोस्तों। दो बादाम का बजट नहीं था हमारे पास। ये उसने डाल के दिया, मैंने तो केक भी दूसरा मंगाया था, मैंने ब्लैक फॉरेस्ट मंगाया था, ये क्या फॉरेस्ट लिया है? और पहले ही बात हो गई है कि भाई जो केक को पूरा सर्व वगैरह करेगा ये एक बादाम उसी को मिलेगा, तो आप समझ जाइए किसको मिलने वाला है। दीदी एक वो ले आना माचिस। भाई चाकू नीचे करके बात करो, आंख वाँख में घुस गया तो।
कौन बर्थडे मना दोगे? जितने का आपने गिफ्ट नहीं दिया उतने से ज्यादा नुकसान कर दोगे। भी केक काटो जल्दी, भूख लगी है। ऐसे जबरदस्ती केक कटवाया जा रहा है? केक कटेगा तो सब में बटेगा। ना किसी ने अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती ना मोमबत्ती, खुद ही जला लो ना जल्दी। अरे पंखा बंद कर, पंखा बंद कर दो पापा, ये भी बुझ गया तो फिर कुछ नहीं रह जाएगा। ये जन्मदिन हो चुका है, केवल औपचारिकता पूरी की जा रही है और ये औपचारिकता की गई पूरी। मोमबत्ती ने भी शायद जलने से मना कर दिया है। जली है, जली है, टूट गई है लेकिन बीच में से, ध्यान से, यहाँ से टूट गई है। मोमबत्ती मेरे केक की टूटी है, केक मेरा ब्लैक फॉरेस्ट है नहीं, नाम है नहीं उसमें, बादाम उसमें एक है, नाम नाम लगा नहीं हुआ, ऐसा लेकिन लग रहा है। महंगा है केक, महंगा है बता दूं तुम्हें, और मेरे प्यार में कोई कमी नहीं रही है लाते वक्त। लेकिन नाम तो लिखा होना चाहिए उसने, देखे ही नहीं गया पापा, केक भी दूसरा मंगाया था, पता नहीं कौन सा दे गया। अच्छा, हाँ मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था ना, मैंने कहा कौन जाए। केक नहीं कट रहा है, मजाक हो रहा है। आओ आज आओ, के साथ कुछ और भी कटेगा। केक जितना बड़ा नहीं उतना, और तलवार आया है काटने के लिए। आओ चलो चलो केक काटो बेबी, एक सेकंड मैं पकड़ लेती हूँ। चलो भाई चलो, मैं मेरे बैठ के मैं वीडियो बना। चलो चलो मत बोलो, तीनों तैयार हो गए। अच्छा वो तैयार हो गए, उनको लग रहा है घूमने जा रहे हैं हम। काटो 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 जल्दी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी काटना टू अविनाश, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कर्कश आवाज में जिसने हैप्पी बर्थडे गाया है उसके लिए कर्कश केक। केक तो अच्छा है, केक बहुत बढ़िया है। केक पे नाम नहीं था लेकिन केक अच्छा है। केक बढ़िया, ऐसे खवा दो खवा दो। मम्मी इसको केक खाने की इतनी जल्दी थी कि इतनी जल्दी केक कटवा दिया, पता है? मम्मी चाकू इधर रखो ना, मैं भी काटू। नहीं नहीं चाकू आपके हाथ से नहीं लूंगी मैं। ये तो मैं भूल जाती हूँ, सास बहू में झगड़ा हो जाएगा, चाकू चल जाएंगे। चाकू कैंची हाथ से ही नहीं लेते। मैं नहीं लूंगी ये तो, मैं बहुत विश्वास करती हूँ इस अंधविश्वास में। विश्वास करती हूँ, मेरा बहुत विश्वास है इस अंधविश्वास में। बहुत बड़ा टुकड़ा आ रहा है। आ क्यों नहीं पा रही हूँ, मेरे को केक खिलाने इतनी देर से। बड़ा हिस्सा खुद ही निपटा दी। तो देखिए हमारा केक कट चुका है, हमारा मतलब केक का केक कट चुका है। ये केक है, कट चुका है, सब में बढ़ चुका है, सब खा चुके हैं, हैप्पी बर्थडे ओवर हो गया है। दोपहर में हमने इतना खाना खा लिया था कि रात का डिनर कैंसिल हो गया है। ये पहला जन्मदिन है जहाँ सिर्फ जन्मदिन वाले को केक ही मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा। ये देखो दीदी आप भी ले लो, आ जाओ वो दो। तो जी अब हम लोग केक खा के सो जाएंगे, आप लोग को मिलते हैं कल नए एकदम औपचारिक व्लॉग में। औपचारिक मतलब क्या होता है? एकदम फॉर्मल। मैंने भी कहीं ना न्यूज में औपचारिकता सुना था। उसका मतलब समझने से पहले लगा दिया इसको। पहले ही लगा दिया। तो आपको मिलते हैं कल नए औपचारिक व्लॉग में। तब तक के लिए आप ये वाला औपचारिकता का व्लॉग देखिए और पसंद कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये एक औपचारिक चैनल है। हिस्टीरिया हिस्टीरिया अटैक हुआ है, हंसने का जो आपका वाला अटैक है वही हुआ है। सास को कभी तो आप कंप्लीट कर दो, चलो बाकी की बात नहीं। इसको फेस्टिवल के रूप में देखा जाए, पापा से, पापा से हमारे ब्लॉग्स को, पापा अच्छा से बोल देंगे। सुनो मैं बोलती हूँ, हमारे ब्लॉग्स को फेस्टिवल के रूप में देखा जाए। लेट्स सेलिब्रेट आवर ब्लॉग्स, सब्सक्राइब पीपल, सब्सक्राइब, ऑल द बेस्ट। पापा से भी एक बार करवा दो, डू शेयर सब्सक्राइब कमेंट और यूट्यूब चैनल संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। वेरी गुड। देखो सबको ना बोलने में लगा के और अपना केक निकाल के निकल रही लेके भाग गई, अपना केक लेके निकल रही थी चुपके से। हम सबको बता दिया इस खत्म करने में कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अरे चोरनी।